हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फिर से स्वागत है खैर मकदम है एक और बढ़िया सा ब्लॉग लेकर। कहाँ से, तो आपने पिछला ब्लॉग कहाँ का देखा, बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर में से एक जहानाबाद। जी हाँ फ्रेंड, फाइनली आपका भाई जो है ना आ चुका है जहानाबाद और यहीं से देने वाला है आपको सेकेंड ब्लॉग भी। पिछला ब्लॉग आपने देखा ना, वो रेलवे स्टेशन के सामने था, वो डोमेट्री बेड का था, सिर्फ 150 रुपया में आप वहाँ ठहर सकते थे, फैमिली के लिए नहीं था। लेकिन अब जो मैं होटल आपको दिखाने जा रहा हूँ ना फ्रेंड, होटल शांति विहार, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी नीट एंड क्लीन होटल है, तो मैं इसी का आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ टाइल्स पैल्स वगैरह सब लगा हुआ है, यहाँ डोमेट्री बेड भी मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ हाँ सॉरी सिंगल बेड भी मिल जाएगा आपको, डबल बेड भी मिल जाएगा और एसी रूम भी मिल जाएगा, सारी सुविधाएँ यहाँ अवेलेबल है। प्राइस की मैं बात करूँ ना फ्रेंड, तो डोमेट्री आपको यहाँ 250 से स्टार्ट होता है। सिंगल सेपरेट रूम लेना चाहते हैं ना, एक पर्सन के लिए 350 रुपया, डबल पर्सन के लिए 800 रुपया और जो एसी रूम होगा वो 1200 रुपये का होगा। लेकिन फ्रेंड ये होटल बहुत ही बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, सीसीटीवी से लैस है और यहाँ आप इजीली रह सकते हैं। इसके बाद मैं एक होटल और बनाऊंगा वीडियो राज दरबार का, वो भी बहुत बढ़िया होटल है, वो भी वहाँ है। क्या है कि थोड़ा सेपरेट रूम जो होता है ना डबल पर्सन के लिए वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, यहाँ 800 है तो वहाँ 700 में मिल जाएगा, लेकिन साफ़ सफाई इससे ज़्यादा है और 100 रुपये वहाँ कम है, मगर यहाँ भी बहुत ही बढ़िया है, इसको भी हम कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ एसी सस्ता है, वहाँ एसी महंगा है, यहाँ एसी 1200, वहाँ एसी 1500। तो बस अब कुछ नहीं करना है, जहानाबाद रेलवे स्टेशन हमारे सामने है, वहाँ से आप थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं ना फ्रेंड, तो ये जो होटल शांति विहार है इसका जो एड्रेस है ना, श्री राम कृष्णा मार्केट में यह पड़ेगा, नियर फिदा हुसैन मोड़, पीजी रोड, जहानाबाद। मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि मैं एग्ज़ाम में 500 रुपये लेता हूँ डोमेट्री का और अंदीना में डोमेट्री का और दिन 250 रुपये लेता हूँ, इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। इसी तरह का भी सवाल हो ना आप हमें कमेंट में पूछिए, इसके बाद का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इस शहर से 3 वीडियो मैं दे रहा हूँ, एक सबसे सस्ता, एक मीडियम और हाई, ये वाला मीडियम का था, अब इसके बाद हाई का आएगा और इससे पहले मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ सस्ता वाला 150 वाला, वो भी वीडियो देखिएगा। जो आपका बजट है उस हिसाब से आप अपना जहाँ भी रूम लेना है ले लीजिएगा। तो ये मैंने स्पेशली फैमिली के लिए बनाया, डोमेट्री बेड के लिए भी बनाया, सिंगल पर्सन के लिए बनाया और एसी वालों के लिए बनाया। इसके बाद जो आएगा वो डोमेट्री नहीं होगा, वो आपको जाकर होगा डबल बेड के लिए और एसी के लिए राज दरबार। तो कैसा लगा ये वीडियो, कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछिए, मैं अंदर नहीं दिखा सकता हूँ, सब जगह अलाउ नहीं रहता है वीडियो बनाना, इन फ्यूचर फिर अलाउ कर देते हैं लेकिन शुरू में अलाउ नहीं करते। खैर ठीक है, होटल बढ़िया है, मैंने सारी जानकारी दी, कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछिए। आपका भाई पूरे इंडिया के ना टूरिस्ट प्लेस का भी वीडियो लाने वाला है, बड़े बड़े बिग सिटी मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, सब जगह का भी वीडियो आने वाला है, टूरिस्ट प्लेस, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस जाने वाला हूँ, सब जगह आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन।